मम्मा तू ही रो रही है। तो फिलहाल गाइस हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। ठीक कमल भैया, ओके एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ लगेज हमारा चेक हो चुका है। क्योंकि उदय भाई जो है ना हमारे, इनकी किस्मत ना हर जगह काफ़ी ही ख़राब रहती है। और ये हमारा पासपोर्ट और वीज़ा है तो उसमें काफ़ी इशू आ रहा है, मतलब नहीं जाने दे रही है। तो अब वीज़े में हमें ठीक करवाना पड़ेगा। इमिग्रेशन होगी, चेकिंग होगी, सब कुछ हो गया। तो अभी फ़िलहाल देखिए हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट जो हमारे जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहीं पर मिलेंगे। ठीक है मानसी जी, बाय। सुना जाओ। ठीक है मामा, बाय बाय। जा रहा हूं, मैं लगेगा। ठीक है भाभी, बाय बाय जी, ध्यान रखना। ओके तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताता है ना मामा, अभी नहीं बताएंगे। हाँ मानसी मामा बैग लेके खड़ी है, पता नहीं जाना मैंने या उसने है। मामा रो रहे क्यों? ओ मामा, मम्मा तू ही रो रही है। ओ वापिस मुझे भी रुलाओगे? ओ मम्मा वापिस, मम्मा क्या हुआ, वापिस आऊंगा ना। तू क्यों रो रही है? खुश होना चाहिए, आपका भाई घूमने जा रहा है, भाभी को भी रोना आ रहा है पीछे। मम्मा रो मैं, ठीक है बाय। वही गाड़ी लगी है, बैग डालते मुझे। ठीक है भैया, ओके भैया, हैव ए ग्रेट जर्नी। ओके जी, आराम से मजे से करो। आप साथ चल रहे हो अभी? हाँ अभी साथ चल रहे हैं। चल ठीक है भाई जी, जा रहे हैं। ठीक है ध्यान रखना। मैं पाए नहीं। ठीक है विराट भाई, जा रहा हूँ मैं फिर। बाय 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 रिया, बाय। हम वापस करेंगे आप सबको। ओके ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, मेरे लिए कुछ अच्छे से लेके आना वहां पे। पैसे दे दो थोड़े। पैसे क्यों, तुम जा रहे हो तो हम फायदा उठाना है कुछ तो। चलो कोई बात नहीं, ओके चलो, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज कैसे हो आप सब, होप करता हूँ आप सब अच्छे हो गए और ठीक हो गए। अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं पामला। और कृष भाई क्या हाल है आपके? बस ठीक भाई। उदय भाई क्या हाल है आपके? दोनों के मुंह पे मुस्कुराहट देख रहे हो। एक मिनट, वो ट्रैक्टर आ रहा है यार, एक्चुअली इनसे ना साउंड थोड़ी कट हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई हमारा एक ट्रिप प्लान हुआ है, ट्रिप नहीं कह सकते, टूर कह सकते हैं। ट्रिप शॉर्ट होता है, टूर लंबा होता है। तो हमारा एक टूर प्लान हुआ है, अभी हम उसके बारे में आपको नहीं बताएंगे, आगे जाकर बताएंगे। अभी हाँ, अभी फिलहाल हमने जो है जम्मू स्टे करना है आज, तो जम्मू से हम कल निकलेंगे अमृतसर के लिए। तो अमृतसर से आगे का, अमृतसर से आपको आगे का बताएंगे कि क्या प्लान है क्या नहीं। तो अभी फिलहाल यहाँ कार लगी है, यहाँ क्रिश पी रहे हैं रानी जूस, उदय पी रहे लिमका माजा। पम्मी भैया ठीक हो? ओके जी ओके। तो पम्मी भैया भी हमारे साथ यहाँ पर, तो हमें जो है अमृतसर जो है कमल भैया छोड़ने जाएंगे, तो वो भी साथ आए हैं। अभी फिलहाल हम यहाँ पर रुके हैं, थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि रजौरी से नॉन स्टॉप आए थे, अभी बामला रुके थे। अभी फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा कुछ खा भी लेते हैं, फिर नेक्स्ट जम्मू रुकेंगे। फिलहाल गाइस हम पहुँच चुके हैं जम्मू और हमने रूम भी ले लिया, और कार हमारी वो रही पीछे पार्क हुई, एक्चुअली उसका इंश्योरेंस नहीं है तो वो नहीं हम लेकर जा रहे, हम जा रहे हैं आसपास ही कुछ खाने, भूख लगी है तो कार हमने वहीं पार्क कर दी है। फिलहाल मेरे साथ उदय और क्रिश ये दोनों हैं, तो अभी हम चल रहे हैं खाने पीने, कुछ देखते हैं क्या खाते हैं क्या नहीं। फिर कल अगर हमारा इंश्योरेंस हो जाता है कार का, आज जो अप्लाई किया था कल परसों ही ड्यू हुआ, तो अगर हो जाता है तो कल निकल पड़ेंगे अमृतसर के लिए, नहीं तो देखते हैं परसों सुबह। सो फिलहाल यहाँ पर हमारे आ चुके हैं जम्मू के मोस्ट फेमस राजमा चावल, तो क्रिश भाई ने शुरू भी कर दिया है, उदय भाई अपना कुछ बना रहे हैं, तो अभी फिलहाल खाते हैं इसके बाद मिलते हैं। डिनर हमारा हो गया जो थी हमारी राजमा चावल, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं रूम की तरफ। गर्मी इतनी है, मेरे को स्वेटिंग हो रही है, क्रिश को स्वेटिंग हो रही है, इसको कम होती है, हमें ज़्यादा होती है। तो भाई फिलहाल चलते हैं रूम में, फालतू बातें नहीं करते, इस ब्लॉग को हम शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे। भाई अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ, हो यहाँ हमने देखी मोमोज की रेडी थी, तो मोमोज देख के हमारा मन ललचा गया, तो हमने कहा पैक करा के ले जाते हैं, रूम पर खाएँगे देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रुके थे और हमने अभी चैलेंज लगाया था, इसको भी स्वेटिंग हो रही है, इसको भी हो रही है, तो हमने कहा कोई भी साफ नहीं करेगा, देखते हैं किसको ज़्यादा होता है। आपकी दिखाऊं? तो देखो मेरे को सबसे ज़्यादा हो रही है, क्रिश को हम, ये देखो मैं पूरा भाई, ये देखो ये पूरे गिल्ले हो गए हम, ये देखो ये एक्चुअली गिल्ले हो गए भाई, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है मेरे को। मैं मेरे को कभी कोई जिम में देख ले बोले नहा कर आया है ये। अभी वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो हेलो गाइस, आज हमारा जो है, आज हमारा भाई आज हमारा डे टू है, और जो हम घर से निकल चुके हैं और फिलहाल आज हमारा नेक्स्ट डे है जम्मू में, और जम्मू का मौसम आज काफ़ी सुहाना है क्योंकि जम्मू वालों को पता चल चुका है जम्मू आ चुका है तरुण श्याल। क्या हुआ भाई? बिल्कुल सही, इसने मुँह नहीं धोया आपने? आपका भाई देखिए
मार दे फिर फड़े मारे भाई। देखो भाई कहां धोया भाई, देखो चेक करो देखा देखा। तो अभी फिलहाल एक्चुअली क्या सीन था कि यार होटल के बाहर जो थी पार्किंग की जगह नहीं थी, तो अब मैंने उन्होंने कॉल की कि कार के पार्क करके आओ, रिस्क है। तो उसी के साथ चाचू ने कहा कार के अलाइनमेंट करवा के आ जाओ, स्लोली स्लोली जाना, अब तक इंश्योरेंस नहीं हुआ। ओके सबसे पहले सीट बेल्ट उन्होंने कहा डालो। चलो तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, पहले हम कुछ खाएंगे, भूख लगी है क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं और हम आज हमारे बड़े भाई ब्रेकफास्ट करेंगे। बिल्कुल आज मेरे छोटे भाई मेरे साथ आए, इनको ब्रेकफास्ट करना मेरा फर्ज है। हाँ जी हमारे साथ एक नया मेंबर आया है, तो प्रियांशु जी क्या हाल है आपके? ठीक हो? बढ़िया। तो अभी हम आ चुके हैं अमृतसरी कुलचा, है ना यही है अमृतसरी कुलचा। तो यहाँ पर हम आया ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि और भी मेरे माइंड में आई नहीं जगह, तो मैंने सोचा यहीं चलते हैं। फिर प्रियांशु भी कहती है यार मैंने ब्रेकफास्ट करनी, यहाँ चलते हैं, तो इसको भी ले आए, क्रिश भी है और हमारे उदय भाई भी हैं। फिलहाल आता है खाता है खाती है तो फिर निकलते हैं, फिर हमने गाड़ी की अलाइनमेंट करानी है, तो बस आए भूख लगे काफी ज्यादा, 12 बज चुके हैं। आपने ब्रेकफास्ट की नहीं? की थी थोड़ी सी। अच्छा मतलब डबल वापस करें? हाँ आप लोग बोल रहे थे ना आएंगे तो गेम कर रहे हैं, ठीक कर रही हूँ। हाँ ठीक ओके। तो हमारे यहाँ पर फिलहाल ब्रेकफास्ट आ चुकी है। उदय भाई ने मंगाई थी नॉर्मल लस्सी, मेरी है स्ट्रॉबेरी लस्सी, उनकी है मैंगो लस्सी, इसने मंगाई थम्स अप, और ये हमारे नॉन साथ में चने और चटनी, ये काफ़ी फेमस है जम्मू के और हैवी टेस्टी है ना क्रिश भाई? सुबह हमारी यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो चुकी है और अभी हम यहाँ बैठे थे और बाहर देखिए बारिश शुरू हो चुकी है। तो भाई वो अपनी कार लग चुकी है अलाइनमेंट के लिए, और यहाँ पर ये देखिए दो, इनको मैंने अंदर बैठने के लिए बोला था, इनसे बैठना नहीं होता, तो यहाँ पर वेटिंग रूम है, यहाँ पर बैठे थे प्रियांशु अंदर बैठी है। भाई अलाइनमेंट करवा कर हम आ चुके हैं और कार हमने यहाँ पर पार्क कर दी है, होटल हमारा वहाँ पर है, तो अभी हम चले रूम में, देखते हैं नेक्स्ट क्या प्लान है। आज हमने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने हैं अपने RT-PCR क्रिश पॉजिटिव हो जाएगा यहीं से इसको घर भेजेंगे। क्या बता भाई, उदय भाई पॉजिटिव हो जाए तो उनको यहीं से घर भेजें, देखते हैं क्या होता है इंशाल्लाह। बॉयज प्लेट वेल। सीन कुछ ऐसा है कि चाचू को हम छोड़ा है, ड्रॉप कर रहे हैं, उनको थोड़ा काम था वहाँ पर, तो अभी मेरे साथ उदय और क्रिश हैं और फुली वैक्सीनेटेड हूँ मैं और चाचू, तो हमें RT-PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिश भाई का और उदय भाई का इन दोनों का RT-PCR टेस्ट होगा और मुझे देखने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यार जब वो करते हैं टेस्ट तो मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे तो करवाना इनसे शुक्र है हो रहा भी नहीं है मेरा, तो इन दोनों का करवाऊंगा, उसका रिएक्शन लूंगा, आपको भी दिखाऊंगा। क्रिश का एक्चुअली क्रिश को ना थोड़ा सा कोल्ड है, तो क्रिश कह रहा है कि यार मेरा पॉजिटिव ना आ जाए, नहीं आएगा यार, तो देखते हैं अब क्या बनता है। सुबह ही इनकी रिपोर्ट्स, ये जो है अभी हो चुकी है अपॉइंटमेंट के लिए, अभी इनके फिर होगा टेस्ट। भाई इन दोनों का कोविड टेस्ट हो गया, मैंने सोचा नोज वाला होगा लेकिन इनका ना माउथ वाला हुआ। क्रिश भाई का भी अभी नहीं है भाई, ऐसे मत बोल, कैंसिल मुझे बेचारे की। तो अभी फिलहाल ये रिपोर्ट्स हमें मिल जाएंगे 6 बजे के करीब, तो हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, हमने कहा आप व्हाट्सअप कर देना हमें, तो फिर हम वो निकलवा लेंगे और वहाँ दिखा देंगे, क्योंकि वहाँ दिखाना ज़रूरी होता है। मैं तो फुली वैक्सीनेटेड ही, शुक्र है मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचा नोज वाला होगा, उसमें ना काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन माउथ वाला वो तो ईजिली हो गया इनका। 4000 के दो टेस्ट हुए इनके। हाँ जी तो फिलहाल RT-PCR टेस्ट इनका करवाने के बाद हम आ गए थे KC, यहाँ पर चाचू और थे ये वेट कर रहे थे हमारा, तो यहाँ पर हमने थोड़ा लंच वगैरह किया, अभी फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधे अमृतसर के लिए। हाँ जी तो ऑफिशियली हम जम्मू से जो है अमृतसर के लिए निकल चुके हैं, और अभी मैं आपको सबसे मिलवा देता हूँ, हमारे साथ है चाचू। चाचू ठीक हो? हाँ बढ़िया एकदम। तो उदय क्रिश से तो आप मिल चुके हो, और कमल भी है, कमल क्या हाल है आपके? बस बढ़िया भाई। भी आप ठीक हो? बढ़िया सर। साथ में हमारे अंकुश भी ठीक हो? बढ़िया। तो ये रहा यहाँ पर चिरची माता मंदिर, जो काफी माना हुआ मंदिर है, जाना माना मंदिर है। तो अभी हम अमृतसर के लिए निकले, इसी के साथ जो है आगे से लोग आते हैं, हाँ पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर मंदिर में आते हैं लोग, काफी माना हुआ मंदिर है, तो हम सब यहाँ बाहर से मत्था टेक रहे हैं क्योंकि हम अभी इस टाइम लेट हो रहे हैं थोड़ा। तो इसी के साथ थोड़ा आगे से जो है मानसर लेक की तरफ रास्ता जाता है, और अभी हम जो है डायरेक्ट अमृतसर जाके रुकना है हमने, या रास्ते में क्या रुकेंगे? रास्ते में रुकना है पठानकोट में, वहाँ स्टे करना है, नाइट वहाँ स्टे है, और कल रवाना होना अमृतसर के लिए। हाँ क्योंकि आज फिर उदय और क्रिश की जो है कोविड रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, मैं और चाचू फुली वैक्सीनेटेड, तो हमें कोविड टेस्ट की जरूरत नहीं है, तो बस वो रिपोर्ट्स आएंगी, उनकी हार्ड कॉपीज लेनी है हमने, तो फिर हम कल जो है अमृतसर के लिए निकल लेंगे। हम पहुँच चुके हैं पठानकोट, मतलब ऑफिशियली इन पंजाब। तो अभी फिलहाल हम चार हैं कार पर, बाकी गए हैं थोड़ा काम,
तो चाचू ने कोई चेकअप वगैरह करवाना था, चाचू वहाँ चले गए। तो अभी हम देखते हैं, हम जाते हैं कि हमारे चिकन खाने का मन कर रहा है ना पम भैया? बिल्कुल भाई, खाना लस्सी भी कहीं मिलेगी? लस्सी नहीं भाई, लस्सी यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, चिकन भी खाएंगे लस्सी भी पिएंगे। चलो जो 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 मिलेगा वो खाएंगे। तो अभी बस हम वही ढूंढे, लेकिन हमें यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। देखिए अभी तो हम फिलहाल हाईवे में ही है। कृष, मैं और उदय हम तीन है और अभी हम जा रहे हैं अंदर होटल पर, रूम वगैरह लेते हैं तो फिर बताते हैं आपको आगे। और यहाँ पर देखिए एक विंटेज कार लगी, और कितनी सही है ये, बड़ी सही लग रही है ना ये। मेरा काफ़ी मन करता है ऐसी, मेरा काफ़ी मन करता है ऐसी एक कार लूँ, रखूँ उसको घर पर, तगड़ी मॉडिफाई करवा के जो नॉर्मल शाम को घूमने के लिए निकालूँ। बट अभी अपनी औकात से बाहर है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ देखिए छोटे छोटे, जो मैंने जैसा मैंने आपको कहा जू हो गया, देखिए छोटे छोटे से पैरट लवबर्ड्स भी कितने प्यारे हैं। हाँ देखिए रैबिट्स वहाँ पर, ऐसा मेरा भी मन है काफ़ी एक छोटी सी जू खोलने का। भाई मन तो बहुत सारा, लेकिन औकात से बाहर है सब कुछ। तो भाई हमें यहाँ तो रूम नहीं मिला, अब हम जा रहे हैं कहीं और फोन ढूंढ, फोन आ गया, अब हम जा रहे हैं कहीं और रूम ढूंढने, तो देखते हैं कहीं और। अच्छा हेलो फिर तो भाई, आज मैं उदय और कृष को ना कैसी ले आया हूँ। ओहो ऑर्डर एंड पिकअप, ऑर्डर एंड पिकअप सर्विस है, डॉक्टर लगा दे। ठीक है फिर जी, थैंक यू, सत श्री अकाल। हमारे जम्मू में नहीं है सफर, फर्स्ट टाइम ऐसे नहीं है यहाँ से। भैया पीछे ऑर्डर दिया यहाँ से, तो हमारे जोरी का छोटे आदमी, जहाँ पर हमें आज तक हमें सिनेमा नहीं मिला, आज तक जहाँ KFC नहीं मिला, जहाँ हमें अभी तक डोमिनोज नहीं मिला, गरीब लोग हम, ये सब चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए हमें जम्मू आना पड़ता है। जम्मू भी कुछ चीजें नहीं है वो एक्सपीरियंस करने के लिए, हमें जम्मू से बाहर आना पड़ता है। अब हम बाहर से, अब हमें कुछ चीजें जम्मू से बाहर भी नहीं मिली, तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, कल तक फिलहाल ये ऑर्डर लेते हैं, बंद करो अभी व्लॉग, ज्यादा लंबा नहीं करना। ये वीडियो में साउंड डालूंगा, फिर वो एडिट करके हम पोस्ट कर देंगे। जैसे हम दूसरी कंट्री में लैंड करेंगे ना, उस दिन आप ये व्लॉग देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बाकी व्लॉग्स भी एडिट करके डालता रहूंगा, आपको साथ साथ घुमाता रहूंगा। थैंक यू। बिरयानी बीच में सब हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, सब हो गया। नहीं नहीं अभी कोल्ड ड्रिंक पेंडिंग है भाई, भाई है टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। क्या बात है, अब हम हो गए हैं गेमिंग में, तो आप देख सकते हो हमारा कितना सामान पड़ा हुआ है, इसको हम अकेले खाएंगे, इनने सारा खा लिया अभी। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, हम अकेले खाएंगे अब पूरा, यही एंगल पे बैठे हैं। देखिए यार बड़िया गड्डिया तो बड़िया गल्ला बाता, यह देखो गाइस आप इधर, चलो भाई गाइस इधर देखो, उधर कृष भाई दिखाओ, ये देखो गाइस ये सिस्टम हमारा, देखा आपने क्या बात है कृष भाई, इसको आप मान सकते हो, ये देखो देखो भाई कोई चक्कर नहीं, आराम से ऐसे, चलो भाई। तो भाई होटल रहा ये, तो कार से अब हम बैग्स वगैरह निकालते हैं, पीछे में बैग, हां तो इससे बैग, ओए देखा देखा फुल हुए हैं तो गिरने वाले थे। ये रहा मेरा बैग, ये रहा उद्योगों का, और एक चाचू का ले चलो, कृषि बोलता चाचू का। तो गाइस टाइम हो चुका है देखिए 12:15, और यहाँ पर कमल भैया, उदय, कृष, हम सब अभी बर्गर किंग से, ये देखिए यहाँ बकेट लाई थी, वहाँ भी सामान वगैरह पूरा था, शेक वगैरह। तो ये अभी हम 12:15 मतलब 12:30 के आसपास अभी हम बाहर घूम रहे हैं हाईवे पर, तो ये कार से देखिए छोटी छोटी सी बारिश हो रही है। तो यार ये शेक हमने लिया, ट्राई किया फर्स्ट टाइम, काफी सही है। कमल भी कैसा है? बहुत जबरदस्त है ना, मजा आ गया इसका यार, ये शेक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी चिकन वगैरह तो ऐसे ही थे, बट शेक का टेस्ट आ गया। तो अभी फिलहाल हम थोड़ा खा पी के एंजॉय करेंगे, फिर हम रूम में जाएंगे, सो जाएंगे, और बाकी अब हम कल ही मिलेंगे आपको, है ना कमल भैया, बोल दो फिर गुड नाइट। गुड नाइट। तो हेलो गाइस, आज है हमारा डे 3 और अभी हम फिलहाल अमृतसर के लिए निकल चुके हैं। तो अभी हमने अमृतसर ही जाना, डायरेक्ट अमृतसर जाना है, हाँ जी, पर टोल प्लाजा पर रुके हुए हैं, तो अभी हम अमृतसर से पहले जो आता है टोल प्लाजा वहाँ पर रुके हैं, अभी सीधा हमने अमृतसर जाना है, वहाँ से हम चले जाएंगे एयरपोर्ट, कमल भैया हमें ड्रॉप कर देंगे, तो फिर कमल भैया रिटर्न हो जाएंगे रजौरी के लिए वापस। तो जी हम अमृतसर पहुँच चुके थे, उसके बाद हमने लंच किया, और अभी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि बोर्डिंग के लिए हमें एयरपोर्ट पर 4 या 5 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, और हम अभी 2 घंटे लेट हैं अपनी फ्लाइट से, मतलब 8 बजे हमारी फ्लाइट है, और अभी 5-6 बजने वाले हैं, तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट, वहीं पर मिलते हैं आपको। तो सब आगे जा रहे हैं जल्दी में, अभी सब आराम से खा रहे, अब जा रहे हैं। तो गाइस हम एयरपोर्ट आ चुके हैं, ठीक है अंकुश भैया, ओके भैया, ओके ठीक, कमल भैया, ओके नहीं नहीं सर, ठीक है पम्मी भैया, ठीक है,
तो अभी फिलहाल हम चलते हैं अंदर एयरपोर्ट में, आगे आगे अंदर जाके जो होते हैं करते हैं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अंदर। चलो सो फिलहाल गाइस एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ लगेज हमारा चेक हो चुका है, तो अभी चलते हैं आगे। सो फिलहाल गाइस यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। एक्चुअली क्या हुआ कि उदय भाई जो है ना हमारे, इनकी किस्मत ना हर जगह काफ़ी ही ख़राब रहती है, और ये हमारा पासपोर्ट और वीज़ा, पासपोर्ट पर इनका एड्रेस है पठान मोहरा और वीज़ा पर इनका एड्रेस है पठान मोहरा मोहर पठान मोहर, और दोनों में सिर्फ ए और आर का फ़र्क है, एक में आर है और एक में ए आर है, तो उसमें काफ़ी इशू आ रहा है, मतलब नहीं जाने दे रही है, तो अब वीज़ा में हमें ठीक करवाना पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं बट चांसेस कम ही हो, देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। वो देखिए वो सामने चाचू लगे हुए हैं कोशिश में, अब देखते हैं क्या बनता है, देखते हैं क्या होता है। फाइनली वीज़ा की प्रॉब्लम जो थी वो तो सॉल्व होगी, अब यहाँ से इमिग्रेशन करवानी पड़ेगी और ये लाइन देखिए काफ़ी लंबी है, वहाँ पर हमें टाइम लग गया ना उस वजह से। तो भाई हमारा जो है बोर्डिंग पास हो गया, स्टार्ट है। तो यहाँ पर हमारे एक फ्रेंड बन चुके हैं बब्बू भाई, ये भी जा रहे हैं दुबई, ये जलंधर से। तो भाई कैसे हो भैया, घूम जा रहे हो अभी? तो भाई को मेरे पैसे दुबई कहाँ जा रहे हो, बोलते बस यहीं पास ही जा रहे हो, जैसे मुझे दुबई का सब कुछ पता है। देख लो भाई भैया सोच रहे मैं प्रैंक कर रहा हूँ भैया के साथ। सो फिलहाल हमारा सब कुछ ओके हो चुका है, इमिग्रेशन होगी, चेकिंग होगी, सब कुछ हो गया, तो अभी फिलहाल देखिए हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। देखिए मैं आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठा हूँ, एरोप्लेन में बैठा हूँ, एरोप्लेन में मैं रजौरी टू जम्मू, जम्मू टू रजौरी किया हुआ मैंने, एरोप्लेन में हेलीकॉप्टर, ओह सॉरी यार हेलीकॉप्टर में, देखना मैं क्या बोल रहा है, एक्साइटमेंट हो रही है तो उसमें मैं कुछ भी बोलूँ। बाकी देखिए एयरपोर्ट देखिए कितना बड़ा है, और अभी बस हम चलते हैं आगे जहाँ गेट है, फिर वहाँ से सीधा फ्लाइट पर, बस आधे घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, फिर सीधा वहाँ पर। 12 देर हो गया यार, पता भी नहीं चला अंदर से ना कब से तभी, तो अब आपको मैं भाई इस ब्लॉग यहीं करते हैं, आ जाओ आओ इधर आओ। सो फिलहाल गाइस इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं, क्योंकि अब जो नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट जो हम जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहीं पर मिलेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, होप करता हूँ कि ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको ब्लॉग अच्छा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। बाय बाय। देखिए पेट भैया इसका क्या नाम है, रियो ये देखिए कितना प्यार।